गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम हिंदी में व्यंजन सीखेंगे जिसमें हम थ और द से शुरू होने वाले शब्द को समझेंगे। ओके, यह जो थ है वो आपके हिंदी की बुक में पेज नंबर 48 के ऊपर है और ये जो द है वो पेज नंबर 49 के ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर दिस इज द इमेज ऑफ थ। थ एक व्यंजन है। ओके, यह एक व्यंजन है, इसे थ कहते हैं, थ। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर दिस इज द इमेज ऑफ थैला। ओके, हियर यू कैन सी थैला। थैला यानी जिसके अंदर हम चीजें लाने के लिए यूज करते हैं। ओके, यह अक्षर थ से शुरू होता है। Now, in next slide, here there is an image of थाली। Okay, यहाँ पे एक थाली है जिसका अंदर हम खाने को सर्व करते हैं। That is called थाली। थ से थाली। यह अक्षर थ से शुरू होता है। Now, in next slide, here there is an image of thermometer। Okay, यहाँ पे हमने आपको thermometer दिखाया है। Okay, जब भी हमें फीवर होता है तब हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इससे हमें पता चलता है कि हमारा फीवर कितना है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थानेदार। यहाँ पे हमने आपको थानेदार दिखाए हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिसमैन। ओके, जो हमें जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें वो हेल्प करते हैं, जैसे चोरी हुई। ओके, कहीं पे चोरी हुई या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तब थानेदार उसकी इंक्वायरी करते हैं। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थर्मस। ओके, यहाँ पे हमने आपको थर्मस दिखाया है। थर्मस के अंदर गर्म चीज को लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रखा जा सकता है और थर्मस का एक ये भी यूज है कि उसके अंदर ठंडा अगर हम कोई चीज भरते हैं तो उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए ठंडा भी रख सकते हैं। मगर हमेशा हमें एक थर्मस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही पर्पस के लिए करना चाहिए। जैसे एक जो थर्मस है उसका इस्तेमाल सिर्फ हमें गर्म चीज भरने के लिए करना चाहिए और दूसरे थर्मस के अंदर ही हमें ठंडी चीज भरनी चाहिए। सपोज एक ही थर्मस के अंदर गर्म और ठंडा अगर मिक्स करेंगे तो यूज करने के लिए ऐसे मिक्स करेंगे तो वो चीज खराब हो सकती है। ओके, तो यह जो थर्मस शब्द है यह थ से शुरू होता है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी सम ऑफ द मोर वर्ड्स ऑन थ। यहाँ पे हमने आपको थन दिखाया है। ओके, यहाँ पे एक काउ का इमेज है। ओके, और एक पर्सन जो है उस काउ की बॉडी में से मिल्क निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, और जिस पार्ट में से मिल्क निकाल रहे हैं उसको हिंदी में थन कहते हैं। थ से थन। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थिएटर। ओके, थिएटर के अंदर हम फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो चुके होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो को प्ले किया जाता है। जैसे मूवी एक बार बन गई उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करके वो हमें दिखाते हैं। ओके, फिल्म। ओके, वो हम किस में देखते हैं? थिएटर में देखते हैं। यह जो थिएटर शब्द है वह थ से शुरू होता है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थर्मल गन। ओके, यह जो थर्मल गन है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं। वो मतलब अगर हमें फीवर है तो वो उसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर और फीवर बताते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड थर्मल गन। और ये थर्मल गन जो शब्द है यह थ से शुरू होता है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थर्मल। ओके, यहाँ पे हमने थर्मल दिखाया है। यह जो थर्मल है ये एक ऐसा क्लॉथ होता है, कपड़े में से थर्मल होता है जो हम विंटर्स में जब ठंड बहुत होती है तब हम ऐसे इनर वेयर्स अंदर पहनते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड थर्मल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉय ने थर्मल पहना हुआ है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ थपथपाना। यहाँ पे
आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो गर्ल है, यहाँ पे जो एक चाइल्ड है, वो क्या कर रही है, डॉग को ऐसे प्यार से हाथ लगा रही है, दैट इज कॉल्ड थपथपाना. ओके, नाउ वंस अगेन आई विल रिवर्स द वर्ड्स. दिस स्टार्ट विद थ. थ से थैला, थ से थाली, थ से थर्मामीटर, थ से थानेदार, थ से थर्मस, थ से थन, थ से थिएटर, थ से थर्मल गन, थ से थर्मल, और थ से थपथपाना. ओके, नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर देयर इज अ लेटर द. यह एक व्यंजन है, इसे द कहते हैं. नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर देयर इज अ इमेज ऑफ दरवाजा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दरवाजा है. यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर देयर इज अ इमेज ऑफ दाढ़ी. यहाँ पे एरो करके आपको दिखाया है कि दाढ़ी किसे कहते हैं, जो हेयर ग्रो करते उनको दाढ़ी कहते हैं. यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर देयर इज अ इमेज ऑफ दिया. दिया, ये यू कैन सी द इमेज ऑफ दिया. यहाँ पे आपको दिया दिखाया है. यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर देयर इज अ इमेज ऑफ द वाट. ओके, जो इंक होती है, इंक पेन के अंदर जो इंक भरी जाती है उसको क्या कहते हैं, दवात. द से दवात, यह जो इंक है उसको दवात कहते हैं. यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट लाइन हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ दर्जी. दर्जी जो होती है वो क्लोथ्स को स्टिच करते हैं, कपड़ों की सिलाई करते हैं. यह शब्द द से शुरू होता है. Now, in next slide, here we can see some of the more words. We start with the. यहाँ पे आप दक्षिण भारत देख सकते हो. Okay, यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया है वो हमारे भारत का ही क्या ही पार्ट है, मगर वो दक्षिण दिशा के में आए हुए स्टेट्स हमने दिखाए, जिसको हम दक्षिण भारत कहते हैं. यह दक्षिण भारत शब्द है जो है वो द से शुरू होता है. Now, in next slide, here there is an image of दक्षिण अमेरिका. यहाँ पे हमने आपको दक्षिण अमेरिका का मैप दिखाया है. यह एक देश है. ओके, यह शब्द द से शुरू होता है. Now, in next slide, here there is an image of दंत. यहाँ पे हमने आपको हाथी के दांत दिखाए हैं. ओके, और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई हुई है, वो हमने आपको दिखाई है. उसको क्या कहते हैं, दंत. ओके, हाथी के जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में, दंत. ओके, यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ दाग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कपड़े के ऊपर इंक पेन से दाग लगे हुए, दाग यानी एक स्पॉट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दाग. यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ दादाजी. दादाजी यानी हमारे ग्रैंडफादर. यह दादाजी जो शब्द है, यह शब्द द से शुरू होता है. नाउ वंस अगेन आई विल रिवाइज द वर्ड्स विद स्टार्ट विद द. द से दरवाजा, द से दाढ़ी, द से दिया, द से दवात, द से दर्जी, द से दक्षिण भारत, द से दक्षिण अमेरिका, द से दंत, द से दाग, द से दर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सो यू दीज आर द वर्ड्स वी स्टार्ट विथ थ एंड द. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. स्टे सेफ एट होम.